स्टडी करने वाले संक्स लैब के बारे में। संक्स लैब किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, संक्स लैब का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, संक्स लैब में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कैसे किया जाता है, ये सब डिटेल देखने वाले आज हम। तो सब में पहले बात जो है संक्स लैब, संक्स लैब क्यों प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर में। संक्स लैब प्रोवाइड किया जाता है बाथरूम में, टॉयलेट में। अब जो है टॉयलेट बाथरूम के जो पाइपलाइन होती है उसकी प्लम्बिंग, वहाँ पे जो है पाइप हम जैसा टॉयलेट का जो एक पाइपलाइन रहती है वो ज़्यादा, मतलब 4 इंच 6 इंच ऐसे पाइप्स रहते हैं उसके, तो ये हम डायरेक्टली स्लैब के ऊपर नहीं रख सकते। तो हमारा क्या हो जाता है, स्लैब और स्लैब का जो अपना मेन स्लैब है और वो ओरिजिनल स्लैब है, ओरिजिनल जो मेन स्लैब है और जो स्लैब आने वाला है पाइप रखने के बाद, तो वो उतनी भर्ती से फिर वो स्लैब जो है ऊपर चले आता है, तो हमें जो पूरा लेवल में दिखना है इसलिए हम सन स्लैब प्रोवाइड करते हैं। ओके, अभी सन स्लैब जो है जनरली उसकी डेप्थ रहती है 150 mm to 300 mm अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन मीन्स रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर है या कमर्शियल स्ट्रक्चर है। जनरली रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर जो है 150 mm का संक प्रोवाइड करते हैं, ये 200 mm का, या फिर जो कमर्शियल स्ट्रक्चर है वो 300 mm या 260 mm, ये जो है जनरल प्रोवाइड करते हैं। ओके, प्रोवाइड होता है जनरली आपके कंडीशन के ऊपर, आपका स्ट्रक्चर के पर्पस क्या है। दूसरा जो है ये आपको दिख रहा है, ये संक स्लैब है। यहाँ पे जो ओरिजिनल स्लैब के ओरिजिनल स्लैब से जो है संक स्लैब यहाँ पे जो है 300 mm नीचे लिया गया है, 300 mm या 260 mm। ओके, और दूसरा जो है ये जैसा ये आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल स्लैब जो आ रहा है, ओरिजिनल स्लैब की जो कंटिन्यूटी रहती है, जो रेनफोर्समेंट की कंटिन्यूटी रहती है और जो सॉलिड बोल के जो कंटिन्यूटी होती है स्लैब की, वो ब्रेक हो जाती है। वहां पे क्या हो जाता है, ब्रेक होके वो जो रेनफोर्समेंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और वहां पे जो वॉइड्स क्रिएट हो जाता है। ओके, ये वॉइड क्या हो जाता है, ये ऐसे टाइप में हो जाता है, तो ये वॉइड्स के वजह से क्या हो जाता है, जो लोड है वो लोड भी हेवी हो जाता है और ऊपर से उसमें भर्ती आती है कुछ, तो जो भर्ती या फिलिंग जो आती है उसके वजह से भी लोड जो है हेवी हो जाता है ये स्ट्रक्चर के ऊपर, डिसकंटिन्यूटी भी हो जाती है, लोड हेवी हो जाता है, और लोड हेवी होने की वजह से यहाँ पे जो ब्रेक होने के चांसेस जो रहते हैं यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जो प्रॉपर रेनफोर्समेंट डिटेल देना भी इसे ज़रूरी है। यहाँ पे आपने संग कर दिया और रेनफोर्समेंट डिटेल आपको प्रोवाइड प्रॉपर नहीं है, तो आपके जो है स्लैब में क्रैक्स आने के चांसेस और फेल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते फिर। ओके, अब ये जो है यहाँ पे रेनफोर्समेंट डिटेल ऑन साइट कैसे दिए, यहाँ पे ये इतना स्लैब जो है संक हुए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है स्लैब को बेंट करके यहाँ पे डायरेक्टली कंटिन्यू करे हैं और लैपिंग जो है जहाँ से बेंट हुआ है यहाँ से लैपिंग प्रोवाइड करके उसे मींस कंटिन्यूटी प्रोवाइड कर दी उसको। ओके, ये ऑन साइट कंटिन्यू स्लैब रहता है इसलिए हमें ये ऐसे रेनफोर्समेंट डिटेल देते हैं। और दूसरा जो है, अब यहाँ पे जो है दो सपोर्ट है, अब ये दो सपोर्ट के अंदर ये बीच में सिर्फ कंटिन्यू मीन्स डायरेक्टली संक स्लैब है, तो ये संक स्लैब में और ये संक स्लैब में ये डिफरेंस है कि ये डायरेक्टली आ रहा है, इसमें सपोर्ट अपोर्ट कुछ नहीं है, मीन्स सपोर्ट का कुछ जब ऑन साइड हम काम करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है कंटिन्यू स्लैब मिलता है। ओके, ब्रेक हुए स्लैब नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे एक आपको डिटेल बताने के लिए कि आपके पास सिर्फ एक दो सपोर्ट है, वो दो सपोर्ट के अंदर ही जो स्लैब है, तो आप कैसे प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट डिटेल है वो इस टाइप में रहेंगे। ओके, ये जो है इनकरेक्ट डिटेल है। जैसा ये आपने कंटिन्यू कर दिया और यहाँ से फिर कंटिन्यू लेके गए कि यहाँ पे मीन्स ब्रेक कर दिया, नीचे का स्लैब, नीचे का बार जो है नीचे कंटिन्यू करा, ऊपर का बार जो ऊपर ही कंटिन्यू कर दिया, तो ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे जो है
ऊपर का बार को लेके जाके यहाँ पे नीचे देखिए, ये ऊपर का बार है, नीचे कंटिन्यू करें, ये हॉलो सेक्शन में उसको कंटिन्यू करें नीचे, और फिर वापस से कंटिन्यू अपसाइड में करें उसे। ओके, तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा लूप बनाना पड़ता है, वो लूप बनाए बाद ही वो करेक्ट डिटेल होती है रेनफोर्समेंट की, तो ये बात का आप ध्यान रखिए। दूसरा जो है, ये आपको मैंने दो कंडीशन बता दी, एक कंटिन्यू स्लैब में और ये एक डिसकंटिन्यू, मीन्स आपका जो है पूरा ब्रेक स्लैब ब्रेक है और आपको सिर्फ संक स्लैब प्रोवाइड करना है, मेन स्लैब और संक स्लैब, तो इसलिए या ये डिटेल आपको काम में आएगी। जो ऊपर की डिटेल मैंने बताया था वो डायरेक्टली आपका ऑन साइड रहेगा। तो होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होंगी। आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।